सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में एपी दिया है 1, 3, 5, 7 ऐसे करके 12 टर्म्स तक का सम पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट टर्म देखें, फर्स्ट टर्म देखें यानी ए का वैल्यू 1 है। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस डिफरेंस तो डी कितना हो जाएगा, ए 2 माइनस का ए 1 यानी कि 3 माइनस का 1, डी का वैल्यू 2 हो जाएगा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना जी, एस एन इक्वल टू में एन बाई टू 2a प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है 12 टर्म तक, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12 है, इसमें रख देते हैं ये नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन का वैल्यू 12 है। यहाँ पर रख देते हैं 12 बाई में 2 इंटू में 2 इंटू में ए का वैल्यू है 1, एन की जगह पे है 12 माइनस 1 और डी की जगह पे है 2, ये कट जाएगा बाहर 6 आ जाएगा, 6 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस का 11 इंटू में 2। चलिए अब आगे इसको देखते हैं, 6 इंटू में 2 प्लस का 22 यानी कि 6 इंटू में 24 है ना जी, तो 24 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 144 आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका।